रहा था क्षेत्रवासियों के लिए। देखिए, सावन का पवित्र माह में मैं समस्त काशीवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को बाबा भोलेनाथ की नगरी से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि इस बार दो माह की सावन लगी हुई है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली संयोग बना हुआ है। इसमें आप सभी को हार्दिक बधाई हो। बाबा भोलेनाथ के मंत्रों में घुल जाएंगे, बस यही कहना चाहेंगे। और सर, अगर विकास की और क्षेत्र की बात की जाए तो इस समय कॉरिडोर और काशी का जो कायाकल्प हुआ है उससे तमाम यात्रियों की संख्या सर बढ़ गई है। और आप कहीं ना कहीं बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से भी सर ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या लगता है कि सर कुछ चेंजेस आया है? हाँ, नहीं, विकास कॉरिडोर बनने की वजह से भीड़ तो बढ़े हैं, इसमें नो डाउट, और काफ़ी लोगों की श्रद्धा भी बढ़ी है और आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सुविधा भी हुई है, और जो आसानी पूर्वक कर रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ बढ़ रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी इसका लाभ मिला है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम बाबा भोलेनाथ आज खुले खुले से महसूस कर रहे हैं हमारी काशी की धरती पे, ये बहुत बड़ी बात है। सर, अगर बात की जाए पार्टी स्तर से, तो आप सर एक राजनीतिक पार्टी भी है, नेशनल पार्टी, उसके पदाधिकारी हैं सर। अभी ओम प्रकाश राजभर एक हैं, सो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तमाम जगह कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में आते हैं, कभी भाजपा में आते हैं, तो फिर वो इस समय भाजपा में आए, तो क्या कहना चाहते हैं सर, ये राजनीति का रूप आपको क्या लगता है? देखिए बंधु, हालांकि मैं तो उस पार्टी का या उन लोग का नाम और उनके विषय में बोलना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप लोग हैं पत्रकार महोदय, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से खोद देते हैं। तो मैं चचा जान के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने किया अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन इससे एक चीज़ तो तय होती है, जैसा कि आप भी समाज में हैं और देख भी रहे हैं, कि इससे भाजपा का फायदा नहीं, नुकसान हुआ और विपक्षी का फायदा हुआ। ये बड़े खुशी की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हैं। हम बड़े खुश हैं इस फैसले से कि आज इस फैसले से भाजपा ने अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर किया है। और रह गई बात कि अगर आप कहते हैं कि नहीं भाजपा मजबूत हुई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अच्छा कार्य करेगा उसको किसी के साथ का और सहयोग की क्या जरूरत है? भाजपा सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है हमने ये किया वो किया, जनता के हित में किया, सारा कुछ किया। अगर मैं यहां बैठा हूं, मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर भाजपा ने किया है कार्य, तो वो अपने दम पे भी चुनाव जीत सकती थी। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के अंदर डर है कि हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को नहीं लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। आज वो विपक्ष से घबरा चुकी है पूरी तरीके से, और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गठबंधन किया गया है उससे भाजपा सरकार का 25% वोट घसका है, न कि बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए, उत्तर पर सपा कमजोर होगी? कैसे होगी बताइए मुझे, कहां से सपा का वोट कमजोर होता है? मुझे आप एक चीज बताइए, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पब्लिक को, भाजपा मानसिकता लोगों को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने गाली दिया है, गलौज दिया, क्या वो वोट कर